नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में हिंदी के पाठ्यक्रमों में विशेष रूप से दो तरह के बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ्यक्रमों का निर्माण किया है, जो अपने आप में अनूठा, अनोखा और उपयोगी है। ये दो पाठ्यक्रम हैं आधुनिक भारतीय साहित्य और मध्यकालीन भारतीय साहित्य। आधुनिक भारतीय साहित्य से संबंधित आज के इस कार्यक्रम में हम मुख्य रूप से पंजाबी भाषा के साहित्य पर चर्चा करने जा रहे हैं। जब हम आधुनिक साहित्य की बात करते हैं तो इसका तात्पर्य क्या है? आधुनिक क्या, आधुनिक साहित्य क्या? दरअसल हर युग का साहित्य अपने नए युग से पुराना पड़ जाता है और आने वाला साहित्य या जो आ चुका है उसे हम नया कहते हैं। इसे हम आधुनिकता की परिभाषा दे सकते हैं। भारतीय साहित्य दरअसल क्या है, इसे हम इस रूप में जानें, समझें। भारत हमारा देश, जब हम भारत देश की बात करते हैं तो हमें विभिन्न प्रांतों की बात सामने आती है। जब हम भारत नक्शे को देखते हैं तो हमें एक तरफ दिखाई देता है कि एक क्षेत्र को हम गुजरात का नाम देते हैं तो दूसरे को पंजाब का, तीसरे को तमिल का और कन्नड़ का। तो ये क्यों कर है? वास्तव में ये भाषा के आधार पर इन क्षेत्रों का नामकरण हुआ है और इसीलिए इन क्षेत्रों को उस भाषा से जोड़कर हमने नाम दिया। और यही कारण है कि जब हम संपूर्ण भारतीय साहित्य की बात करते हैं तो उसमें कुल मिलाकर मुख्य रूप से 22 भारतीय साहित्य की बात करते हैं। उत्तर में कश्मीरी साहित्य से लेकर सुदूर दक्षिण में तमिल, पूरब में गुजराती से लेकर पश्चिम में, सुदूर पश्चिम में मणिपुरी साहित्य की बात को हम समेटते हैं। और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्ति विश्वविद्यालय ने अपने राष्ट्रीय दायित्व इसी तरह के दो महत्वपूर्ण पाठ्यक्रमों का निर्माण किया है जो हमने हिंदी में दिया है। और आज जिस पाठ्यक्रम पर हम बात करने जा रहे हैं उसका कोड है EHD5, आधुनिक भारतीय साहित्य, नवजागरण और राष्ट्रीय आंदोलन। दरअसल जब हम किसी साहित्य की बात करते हैं तो हमें उस साहित्य के पूर्व की और उसके बाद की बात को रखकर ध्यान में हम चर्चा करते हैं। और साहित्य में निरंतर बदलाव आता रहा है। यह बदलाव क्यों कर होता है, ये हम सभी जानते हैं कि जो वर्तमान परिस्थितियां हैं आगे आने वाले समय में निश्चित रूप से उसमें परिवर्तन आता है। सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, इस तरह की परिस्थितियों के कारण साहित्य में भी बदलाव आता है। जो राजनीतिक घटनाएं घटती हैं, जो सामाजिक घटनाएं घटती हैं, जो परिवर्तन समाज में घटित होता है उसका प्रभाव लेखकों को पड़ता है और स्वयं लेखक भी प्रभाव डालते हैं अपनी रचनाओं के माध्यम से। जब लेखक कुछ लिखता है तो उसके दिमाग में, उसके जहन में कोई ना कोई उद्देश्य होता है और यह उद्देश्य निश्चित रूप से समाज को, राजनीति को, कई चीज़ों को प्रभावित करता है। तो ये मिली जुली बातें हैं। और इसी रूप में जब हम भारतीय साहित्य पर दृष्टिपात करते हैं, उसका अवलोकन करते हैं तो हम पाते हैं कि संपूर्ण भारतीय साहित्य में पहले का साहित्य कुछ और तरह का था, उसके बाद का कुछ और तरह का रहा। आधुनिकता की जब बात करते हैं तो वो समय एक आया जब वो एक अलग तरह का साहित्य रचा गया। और जब बिल्कुल आज की बात हम करेंगे तो हम यह अंतर जरूर देखेंगे कि आज भी साहित्य में जो बदलाव आया वो निश्चित रूप से पूर्व के साहित्य से बिल्कुल अंतर है और उसमें विषय के स्तर पर, उसकी लेखनी में, उसकी विधाओं में अंतर आता रहा है। तो इसे जब हम इस पाठ्यक्रम की बात करते हैं जो हमने 19वीं शताब्दी में जो हमारे पाठ्यक्रम जिस पर हमने पाठ्यक्रम तैयार किया है तो कुल मिला के पूरे भारतीय साहित्य की बात करते हैं। और उसमें हमारे इस तरह के कार्यक्रम में हम प्रत्येक भाषाओं से संबंधित चर्चा करते हैं और हर भाषा साहित्य के आदिकाल
के बारे में, मध्यकाल के बारे में, आधुनिक काल के बारे में, उनके रचनाकारों के बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में और उन रचनाओं के उद्देश्य के बारे में हम बात करते हैं। तो आप इससे संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो आप हमें जरूर अपने प्रश्न भेजें, हम उनका उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आज हमें खुशी है कि आज आधुनिक भारतीय साहित्य से संबंधित जिस पाठ्यक्रम पर हम चर्चा करने जा रहे हैं और जिस भाषा की चर्चा करने जा रहे हैं वह है आधुनिक पंजाबी साहित्य। और आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं बलबीर माधोपुरी जी। बलबीर माधोपुरी जी पंजाबी के भाषा साहित्य के चिंतक, लेखक, पत्रकार, कवि, और इनकी रचनाएं पंजाबी के लगभग सभी प्रमुख पत्र पत्रिकाओं में छपती रहती हैं। इन्होंने एक आत्मकथा छाग्या रुख इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है। हिंदी में, अंग्रेजी में और लगभग कई भाषाओं में इसका रूपांतरण हो रहा है और ये अपने आप में पंजाबी साहित्य के एक मील के पत्थर के रूप में यह साहित्य हमारे सामने आया है। इन्होंने दो काव्य रचनाएं की हैं, 5 गद्य रचनाएं की हैं और अनेकों लेख लिखे हैं। अनुवाद से भी इनका संबंध है और इन्होंने 20 से अधिक रचनाओं का अनुवाद किया है। तो इस प्रकार हमें आज खुशी है कि हमारे इस स्टूडियो में पंजाबी भाषा के विद्वान मौजूद हैं और हम जब चर्चा करेंगे और उनसे बात करेंगे तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा और यह इस भाषा साहित्य के बारे में, हमारे पाठ्यक्रम के बारे में आपको निश्चित रूप से लाभ पहुंचाएगा जो उपयोगी और महत्वपूर्ण होगा। तो बलबीर माधोपुरी जी, आज आपका स्वागत है स्टूडियो में। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि जो पंजाबी भाषा और साहित्य की जब हम बात करते हैं तो आप ये बताएं कि इसकी पृष्ठभूमि क्या है, पंजाबी भाषा हमारे देश के किस राज्य में बोली जाती है और इसकी पृष्ठभूमि क्या है, क्यों कर यह साहित्य और यह भाषा हमारे सामने आई और इसका पूर्व रूप क्या था। डॉक्टर शत्रुघ्न जी, इस प्रश्न के विस्तार से मैं जाने से पहले मैं चाहता हूं कि पंजाब की भौगोलिक स्थिति के बारे में थोड़ी सी बात कर लें। पंजाब जिसको 5 नदियों की धरती कहा जाता है, पंजाब भारत और पाकिस्तान के नक्शे में एक हरा भरा इलाका है। पंजाब का नाम सिंध के 5 बलवान दरियाओं रावी, ब्यास, जेलम, चनाब और सतलुज से निकला। ये सारी नदियां हिमालय से निकलकर मैदानों में आती हैं और आगे जे सिंध के इलाके की तरफ चली जाती हैं। जी, पंजाब का पुरातन नाम, जैसे मैं बताया कि 5 नदियों वाला प्रदेश था, फिर इसका फारसी में नाम हो गया कि 5 पानी, यानी पंजाब, पंज आब, जहाँ के रहने वाले लोगों को पंजाबी कहते हैं। पंजाबी दुनिया की सबसे बड़ी 13वीं भाषा है और हमारे से पूर्वी जो पंजाब है इससे रहने वालों की गिनती से कहीं ज़्यादा जो है पाकिस्तान में लोग पंजाबी बोलते हैं। पंजाबी भाषा और बोली के आज के संदर्भ में देखें तो जे 9वीं-10वीं सदी तक इसका बैकग्राउंड जाता कि जितने नाथपंथी हैं उन्होंने अपनी रचनाएं उस वक्त के अनुसार जो लोगों के नज़दीक की बोली थी उसमें रचना की और वो थी पंजाबी। तो इसी तरह आगे हम देखते हैं कि बाबा फरीद जी आए, उन्होंने अपनी मुल्तानी बोली जो पंजाबी का ही एक डायलेक्ट है उसमें रचना की। वो तो बहुत, चाहे वो 13वीं सदी में हुए हैं लेकिन वो इतनी लोगों के नज़दीक की भाषा है, बोली है कि उसको अभी भी समझने में कोई समस्या नहीं है।
इसके बाद संत गुरु आए हैं जिनको भक्ति आंदोलन के संवाहक कहते हैं हम, जैसे कबीर साहब हैं, रविदास जी हैं, नामदेव, कबीर, त्रिलोचन, सदना सेन, इसी तरह मतलब एक लंबी श्रृंखला है जिनकी बाणी को आगे आदि ग्रंथ, जिसको गुरु ग्रंथ साहब भी कहा जाता है, उसमें शामिल किया गया है। तो गुरु ग्रंथ साहब में 6 गुरुओं समेत 36 संतों, भक्तों, भट्टों की बाणी दर्ज है, जो अलग-अलग रागों में उसको एडिट किया गया है। इसका एडिट करने का काम जो है सिखों के 5th गुरु, 5वें गुरु, गुरु अर्जन देव जी ने किया, और उनके साथ जो सहयोग किया वो भाई गुरदास जी ने किया। मैं आपको यहाँ पे एक बात जानना चाहूँगा, जी मेरी उत्सुकता बढ़ गई है। पंजाबी भाषा की आपने बात की और ये हमें जानकारी दी कि पंजाबी भाषा में जितने बोलने वाले हमारे देश में हैं, उससे अधिक संख्या में जो हमारा निकट पड़ोसी देश है पाकिस्तान में। जी और जहाँ तक मुझे जानकारी है और कि न केवल पाकिस्तान और भारत बल्कि दुनिया में, विशेष रूप से कनाडा, इंग्लैंड और अमेरिका में पंजाबी भाषी बहुत बड़ी संख्या में हैं। जी तो मैं ये जानना चाहूँगा कि जिस पंजाबी भाषा की बात आप कर रहे हैं, इस भाषा की लिपि क्या है? और इस क्योंकि मैंने देखा है और हम जिस पाठ्यक्रम में हमने ये चर्चा की है कि इसकी लिपि देवनागरी से भिन्न है या अन्य भारतीय भाषाओं की लिपि से भिन्न है। तो मुझे और हमारे दर्शकों को ये जानकारी देने की कृपा करें कि पंजाबी लिपि किस तरह की है, इसकी पृष्ठभूमि क्या रही और क्यों कर यह लिपि हमारे सामने आई। इसका जो सीधा सा सवाल और जवाब है कि संत गुरुओं ने, भक्ति आंदोलन के कवियों ने उस कल्चर को अडॉप्ट करने से ही इनकार कर दिया और एक नई लिपि तैयार कर ली जिसका नाम बाद में गुरमुखी पड़ा। ये देवनागरी के जो 52 अक्षर हैं उसको छांट कांट करके पंजाबी के लिए 35 अक्षर बनाए गए हैं। आज जो हमारे सामने 35 अक्षर हैं, लेकिन इससे पहले जब कबीर साहब रचना कर रहे थे तो उनके सामने 31 अक्षर मौजूद थे। इनके साथी जो समकालीन थे गुरु रविदास, उन्होंने 34 अक्षरों का वर्णन किया है और इसके समर्थन में कई सारी पुस्तकें मिलती हैं कि इन्होंने देवनागरी से 34 अक्षरों को लिया और अड़ा शब्द जो आज हम बोलते हैं हमारी पंजाबी भाषा में है वो 35वां अक्षर है। तो 35वां अक्षर जो गुरु अंगद देव जी, द सेकंड गुरु ऑफ सिक्स, उन्होंने अडॉप्ट किया। उन्होंने ही जो पुरातन जन्म साखी भाई पैड़ा मोखा की है वो लिखवाई और गुरमुखी को प्रचलित किया। इस तरह जो प्रूफ मेरे सामने अभी भी हैं, चाहो तो मैं एक लाइन। निश्चित रूप से दरअसल जो बात आपने की कि पंजाबी की भाषा की जो लिपि है वो एक अलग तरह की लिपि है और उसका निर्माण गुरुओं ने किया, तो ये हमें इसमें एक विद्रोह का स्वर दिखाई देता है कि जो जिस आधार को लेकर, जिन उद्देश्यों को लेकर पंजाबी साहित्य रचे और जो लिपि अपनाई गई वो एक विद्रोह का ही रूप, विद्रोह के रूप को दर्शाता है। जी और वह निश्चित रूप से जो चिंतन धारा पहले से थी उसके विद्रोह में, वो चिंतन धारा के रूप में हमें लिपि में भी वो विद्रोह दिखाई देता है। हाँ जी, उनकी कविताओं में जो विद्रोह है वो गुरुओं से भी पहले, जो एक मैं समझता हूँ कि गुरबाणी लेखकों को एक आधार दिया संत गुरुओं ने। उन्होंने जो भारत की मुख्य संस्कृति है उसके विरोध में बातें की। उन्होंने जात पात, छूत छात और समता समानता
सामाजिक परिवर्तन की बातें की हैं, और वो मेरी नज़र में तो जितने भी संत कवि और गुरु हुए हैं वो रो विद्रोह के एक प्रतीक हैं, जिन्होंने उस कल्चर को छोड़ने की कोशिश की जो उनके अगेंस्ट जाता था जी। तो ऐसे सारे हमारे पास गुरबाणी में और कबीर साहब के रविदास की वाणी में मैं दो एक दो उदाहरण देना चाहता हूँ। दरअसल जब आप गुरुओं की वाणी की बात कहते हैं तो इसमें हमारा ध्यान बिल्कुल जो सिख पंथ है या सिख धर्म के जो मुख्य आधार है वो है गुरु ग्रंथ साहब जी, और गुरु ग्रंथ साहब में सभी संतों की वाणियां समाहित हैं। तो इसको तो हम डॉक्टर साहब कहते हैं दलित टेक्स्ट। टोटल गुरु ग्रंथ साहब को हम दलित टेक्स्ट के नजरिए से देखते हैं कि गुरुओं ने उन्हीं लोगों की वाणी, उन्हीं कवियों की वाणी जो इसमें शामिल की है, जो उनकी विचारधारा से मिलते थे, उन्होंने खास तौर पे जितने भी संत हमारे हैं वो जो रो विद्रोह के एक चिन्ह बने, एक प्रतीक बने, उनकी वाणी गुरु अर्जन देव जी ने 1604 में, जो गुरु नानक साहब कहाँ भी जाते थे, क्योंकि गुरु नानक साहब ने बहुत पैदल यात्रा की और 50,000 मील की यात्रा की, और जहाँ भी जाते चार उदासियाँ का मतलब चार यात्राएं की, वो नॉर्थ को भी की, ईस्ट को की, साउथ को की, तो उसका जो भी जहाँ से उनको कोई संत मिलते थे कभी वो अपनी डायरी में नोट करते जाते थे। बाद में वो डायरी जो है पांचवें गुरु अर्जन देव जी को हैंडओवर कर दी गई और उसी को एडिट कर लिया जी जी। तो ये सारे जितने संत गुरु हैं रो विद्रोह के कवि के तौर पे सामने आते हैं, जो समता चाहते हैं, एक जो मुख्य हमारा कल्चर था उसके अडॉप्ट नहीं किया, इसलिए गुरुओं ने भी जो गुरमुखी स्क्रिप्ट है, लैंग्वेज है, उसको अडॉप्ट किया। इसका तो, मतलब यही हुआ कि जो गुरु ग्रंथ साहब में जिन संतों की वाणियां हैं वो समाज में एकता के लिए, समाज को मजबूत बनाने के लिए, जो समाज में विघटन हो गया था जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर और कई चीज़ों के नाम पर, तो उस उन्हीं पूरे भारतीय समाज को, यानी विशेष रूप से पंजाब क्षेत्र को, पंजाब क्षेत्र की जनता को एक सूत्र में बांधने का, और उन्होंने साफ कहा जी कि एक पिता एक सके हम बारक, कोई ना दिसे बाहरा जी, हम सारे एक ही परमात्मा की संतान है, दूसरा कोई नहीं है, अव्वल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे। तो इस दृष्टि से देखें तो उनका सामाजिक नजरिया जो गुरुओं का है, समता समानता का रहा, और कभी भी उन्होंने उनका साथ नहीं दिया जो अपने आप को बहुत ऊंचे समझते थे, पैसे वाले समझते थे, उनका कभी समर्थन नहीं किया। तो ये गुरु ग्रंथ साहब जो है ये बहुत बड़ी दलित टेक्स्ट होने की वजह से मैं थोड़ा सा विस्तार देना चाहूंगा जी जी, कि 1604 में इसको गुरु अर्जन देव जी ने एडिट किया जी। इसमें 6 गुरुओं की वाणी और 36 संतों भक्तों भट्टों की वाणी है, इसके 1430 पन्ने और 16,017 हैं। तो इसका सम्मान इसीलिए सारे करते हैं कि इस लैंग्वेज में सभी को समानता दी गई है जी। तो जैसे एक हमारी एक भाषा थी कि वो पढ़ने का अधिकार सबको नहीं था, लेकिन इसमें कोई मनाही नहीं है, और गुरुओं ने इसी भाषा को बहुत सारा प्रचारा और प्रसारा जी जी। तो आप गुरु ग्रंथ साहब से कुछ संतों की वाणियों को हमारे दर्शकों को सुनाएं और उसका भावार्थ भी अगर दें तो ज्यादा अच्छा होगा, जिससे उसमें जो संदेश है, उसमें जो संदेश दिया है। संदेश उसमें मानवता का है जी, मानवता का ही टोटल संदेश है कि जब परमात्मा, मैं उसका सार बता देता हूँ जी, कि जब परमात्मा सभी के अंदर है, चाहे वो कोई भी जीव है, प्राणी है, चाहे वो सामाजिक दृष्टि से छोटा बड़ा, अमीर गरीब, किसी भी इलाके का रहने वाला, उसमें कोई भेदभाव नहीं है, सब बराबर हैं। और इवन उसके बाद की भी जितनी है, गुरु ग्रंथ साहब के बाद की भी जितनी रचनाएं हैं, जैसे गुरु गोविंद सिंह की आई है, मानस की जात सब एक पहचान, मानस की जात जो है, चाहे अमेरिका, अफ्रीका, भारत, श्रीलंका, कहीं भी जाओ सारे बराबर हैं। हाँ जी, तो इस दृष्टि से गुरुओं ने सारे जातियों के लोगों को
चाहे वो चमड़े का काम करने वाला, चाहे वो जुलाहे का काम करने वाला, चाहे वो बाल काटने वाला, चाहे वो कसाईया, उसकी रचना को इसमें शामिल किया ताकि पूरा सम्मान के साथ वो जो चाहते हैं कि हमारे को भी समता समानता चाहिए, उस दृष्टि से उसको संकलित किया और शामिल किया। तो इस तरह से पंजाबी साहित्य में गुरु ग्रंथ साहब का साहित्यिक दृष्टि से भी एक अपना महत्व है, और जो उसमें संदेश है, जो वो मैसेज है समाज के लिए, सामाजिक एकता के लिए, हाँ वो जी, भी महत्वपूर्ण है। बहुत तो महत्वपूर्ण। लेकिन ये तो एक भक्ति मूवमेंट की बात हुई, और भक्ति मूवमेंट में या भक्ति आंदोलन में जो गुरु ग्रंथ साहब का अपना स्थान है उसकी बात हुई। साहित्य में जिस तरह से अन्य भारतीय भाषाओं में साहित्य में बदलाव आता रहा, तो क्या पंजाबी साहित्य में भी बदलाव आया? बिल्कुल डॉक्टर साहब, बदलाव हमेशा किसी विकास की निशानी है। और इसके साथ साथ जब हम गुरुओं की बात करते हैं तो और भी लोग अपनी रचनाएं कर रहे थे, जी। जैसे हमारे सामने एक सूफी काव्य सामने आया। सूफी काव्य हिंदू संस्कृति और इस्लामी मुसलमान संस्कृति। जो है इस्लाम है उसकी संस्कृति का सुमेल था। लिबरल के ढा दे जो कुछ टेंदा, पर मंदिर ढा दे, मस्जिद ढा दे जो कुछ ढेंदा, पर एक दिल ना तोड़ी क्योंकि रब दिलां विच रहिंदा। रब जो है, परमात्मा जो है, आदमी के दिल में बसता है। इसको तोड़ना नहीं है, इसको दुख नहीं देना। बाकी जो बाहर की चीजें दिखाई देती हैं उसको आप कुछ भी करो, लेकिन आदमी का सम्मान, जीव प्राणी जितने भी हैं उनका सम्मान होना बहुत जरूरी है। तो इस दृष्टि से देखें तो जो सूफी सूफी हमारे हुए हैं, बुल्ले शाह जी हुए हैं और सुल्तान बाहू जी हुए हैं, उनकी कहो तो दो लाइनें मैं जरूर जरूर, अवश्य हमारे दर्शक सुनना चाहेंगे। सुल्तान बाहू जी की एक रचना मेरे जी को जी थोड़ी याद आती है। जरूर आप। जे रब मिलता जंगल भवया, अगर परमात्मा जंगल में घूमने से मिलता तो मिलता गुआं बच्चियां, गाय बछड़े को भी मिल जाता। जे रब मिलता बाल बधाया, बाल बधाने से अगर मिलता तो मिलता भेडां ससियां हू। जे रब मिलता नातिया, डड्डुआं मछुआं को भी मिल जाता। अगर परमात्मा, लेकिन परमात्मा उन्हीं को भी मिलता है जिनकी नीत अच्छी है, सच्ची है। तो इस दृष्टि से उन्होंने आगे भी कहा कि ना मैं हिंदू, ना मैं मुसलमान, ना मैं मुल्ला काजी हूँ, ना दिल दोजख मंगे मेरा, ना शौक बहिश्ती राजी हूँ। मेरे को ना तो बहिश्त चाहिए, ना ही मेरे को कोई इस तरह के दोजख मांग रहा हूँ, लेकिन मैं तो मुल्ला काजी मुसलमान हिंदू कुछ नहीं है, मैं सिर्फ इंसान हूँ, इंसानियत के लिए काम करना चाहता हूँ। इंसानियत का ही उन्होंने संदेश दिया। और इसके साथ डॉक्टर साहब और बहुत सारे किस्से जो पंजाबी में लिखे गए, किस्से जो प्रसिद्ध हुए हैं इस दौर में, उनमें है पीलू का एक मिर्जा के मिर्जा साहबा का किस्सा पंजाबी में बहुत मशहूर है। अहमद यार के यहाँ यूसुफ जलेखा उसने लिखा, सस्सी पुन्नू और धार्मिक रचनाएं भी की हैं। लेकिन जो पंजाबी के बिल्कुल नज़दीक, और देखो कि आपको लगेगा कि बिल्कुल हम मॉडर्न पोइट्री या मॉडर्न लिटरेचर की बात करते हैं, मैं दो लाइनें उसकी भी पढ़ के जरूर सुनाना जरूर जानता जरूर। चाहता हूँ, चाहे वो कई तरह से औरत के विरोध में भी बात करता है। लेकिन चढ़दे मिर्जे खान नूं जट बंजल देंदा मत, भट्ठ रन्ना दी दोस्ती खुरी जिन्हां दी मत, हस हस लाउंदियां यारियां पिछों रो रो दिंदियां दस, लखी हथ ना आमदी दानशमंदां दी पत। कहने का मतलब कि दो औरतों के खिलाफ भी है, लेकिन एक उसमें जो लैंग्वेज है, शब्दावली है, उसमें बहुत जबरदस्त जान है। हुजरे शाह मुकीम दे एक जट्टी अर्ज करे, मैं बकरा देनी हाँ पीर दा जे सिर दा साईं मरे। मतलब वो औरत के दोस्ती, जो लिबरल सोसाइटी, नारीवादी चेतना भी इसमें है, उस वक्त में भी नारीवादी चेतना है। ऐसे ही आगे हम बढ़ते हैं तो देखते हैं कि वीर रस की बहुत सारी रचना हुई है। चंडी की बार है गुरु गोविंद सिंह जी की, हाँ जी। उसका अभी कोई मुकाबला नहीं है। और इसके साथ बहुत सारी और बारें जो है ना, अजित रंधावे की बार जो गुरु नानक के समकालीन थे, उन्होंने भी बहुत सारा लिखा। और सारे मतलब गुरु भाई गुरदास जी ने 39 बार लिखी है, लेकिन उनकी बाणी
उनकी रचना गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल नहीं की गई, चाहे वो गुरुओं के साथ लगातार लिखने में रुझ लगे रहे, उनकी वाणी जो है उसमें शामिल नहीं, लेकिन उनको बहुत ऊंचा स्थान दिया गया कि ये एक गुरु ग्रंथ साहब की कुंजी है। तो आगे बढ़ते हैं तो और देखते हैं कि हमारे पास 18वीं सदी के शुरू में हीर का किस्सा लिखा गया जो बहुत प्रसिद्ध हुआ, वारा शाह ने लिखा। हाँ जी, तो उसकी बहुत चर्चा है, अगर कहो तो दो लाइनें पढ़ के सुना दो तो मेरे पास उसका चाहेंगे। तो हीर आखदी जोगिया झूठ बोले, कौन रुठड़े यार मनावदाई, एहो कोई ना मिलया मैं ढूंढ थकी, जेड़ा ज्ञान मुड़ लियांदा। ये एक नारीवादी चेतना का प्रतीक है कि दोस्ती नहीं जहां हो सकती, जहां तो इसके विरोध में काम हो सकता है, दोस्ती के लिए जो ढूंढते हैं कि जिसकी दोस्ती हुई उसके खिलाफ जो काम हो गया, लिबरल सोसाइटी ना होने की वजह से ये सारा कुछ है। वो तो जहां तक हीर कहती है कि मेरे सारे शरीर के जूते भी बन जाए तब भी मैं उसको मिलना चाहूंगी, इस तरह का एक छोटा सा प्रसंग इसमें आया कि एक कौन बाज से कूंज खोई, तो एक बाज जो है कैसे पकड़ के ले जाता कूंज को, फिर भी वो अकेली कुछ भी नहीं कर सकती। ये एक विद्रोह, विद्रोह सामाजिक विद्रोह मैं इसको मानता हूँ कि नारीवादी चेतना का विद्रोह है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस जिन उद्देश्यों को लेकर आज हमने पाठ्यक्रम तैयार किया है, इसकी पृष्ठभूमि में भी अगर हम जाएं तो ये चेतना हमें देखने को मिलती है, और पंजाबी साहित्य में इस तरह की रचनाएं हमें काफ़ी संख्या में देखने को मिलती है, बहुत ज़्यादा जी। तो मैं ये आपसे जानना चाहूँगा कि ये तो एक भक्त पंजाबी साहित्य के आदिकाल मध्यकाल की बात हुई जी, आधुनिक पंजाबी साहित्य में जो रचनाएं हुई उसकी शुरुआत हम कहाँ से मानते हैं, क्योंकि जहाँ तक मुझे जानकारी है पाठ्यक्रम में भी ये हमने उल्लेख किया है कि भाई वीर सिंह का उसमें एक अपना स्थान है, तो इस भाई वीर सिंह से पहले और भाई वीर सिंह के समय में और उनके बाद किन किन रचनाओं ने पंजाबी साहित्य को समृद्ध किया? भाई वीर सिंह जी निश्चय ही हमारे आधुनिक साहित्य के पितामह हैं, उनका जन्म 1872 में हुआ था। उन्होंने शुरुआती दौर में 8 हमारे को काव्य संग्रह दिए, 4 नावल दिए, और उन्होंने पहली बार पंजाबी की प्रेस लगाई और एक साप्ताहिक मैगजीन निकाला जिसका नाम था खालसा समाचार, और उनके नावलों में जो क्योंकि पहले हमारे नावल थे वो अध्यात्मक दृष्टि से लिखे गए थे और सिखी के प्रचार के सिख धर्म के प्रचार हेतु लिखे गए थे, लेकिन उसकी जो कला पक्ष को ध्यान में रखें तो मैं समझता हूँ कि वाकई हमारे लिए वो एक प्रेरणा का स्रोत बने और आगे जाकर लोगों को प्रभावित किया, प्रेरणा दी भाई वीर सिंह के लिटरेचर ने, तो निश्चय ही उनका स्थान हम वहां से ही मॉडर्न लिटरेचर को समझते हैं भाई वीर सिंह से। उनकी जो निधन भी 1957 में हुआ, उनको साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी मिला था जी। तो उनके समय के अन्य रचनाकारों के बारे में? हाँ, उसके उनके समय में जैसे धनीराम चात्रक जी थे, वो भी उनके पास ही काम करते थे। अच्छा, उनकी प्रेस में ही काम करते थे, लेकिन जैसे भाई वीर सिंह जी सोचते थे कि अध्यात्मवादी दृष्टिकोण आनंद के साथ जुड़े हुए थे, लेकिन वो धनीराम चात्रक जी अपनी जिम्मेवारी समझते थे कि हम कुछ कर सकते हैं, इस देश के लिए कुछ कर सकते हैं। उन्होंने बहुत सारी ऐसी कविताएं लिखी को देश की आजादी के साथ जुड़ी हुई थी। भाई वीर सिंह जी ने तो अपने एक पर्सनल लेवल पे बातें की, लेकिन चात्रक जी ने बहुत एक विशाल दृष्टिकोण दिया जिसकी रचनाएं जो है ना हमारे सभी के सामने उपस्थित हैं, प्रस्तुत हैं, लेकिन उसका विस्तार निचोड़ जय ही निकलता है कि उन्होंने नौजवानों को अपील की, लोगों को कहा कि अपने देश की आजादी के लिए काम करें, और उन्होंने ऐसी रचनाएं बहुत बड़ी गिनती में की। हाँ जी, तो जैसा कि आपने दो बातें इसमें की कि एक तो राष्ट्रीय चेतना के लिए ये इस पाठ्यक्रम में जो हमने चर्चा की है कि
लगभग सभी भारतीय भाषाओं को शामिल करने का प्रयास किया है, हाँ जी तो लगभग सभी भारतीय भाषाओं में ये ट्रेंड, ये सूत्र देखने को मिलता है कि जिन विषयों पर तमिल में लिखा जा रहा है उन्हीं विषय पर बंगला में भी, और इसमें तो पंजाबी में भी वो बात देखने को मिलती है कि जी राष्ट्रीय चेतना जगाने के लिए, क्योंकि हम ये जानते हैं हाँ जी कि तत्कालीन समय में हमारे देश देश गुलाम था और अंग्रेजों का शासन था, जी तो अंग्रेजी सरकार से मुक्ति के लिए जो जनता में जोश, उसके अपनी रचनाओं के द्वारा जनता में जो विद्रोह पैदा करना था, उसके लिए लगभग सभी रचनाकारों ने ऐसी रचनाएं दी, कविताओं के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से, मैं अन्य थोड़ा विधाओं सा के इसमें माध्यम ऐड से। करना चाहता हूँ जी कि कविताओं के साथ साथ गद्य साहित्य में भी हमारे पास बहुत बड़े लेवल पे जो सामग्री उपलब्ध है, जी जी कि जैसे गुरबख्श सिंह जी हैं, उनकी सारी पढ़ाई लिखाई जो वेस्ट की थी, जी अमेरिका की, पश्चिम की। हाँ जी पश्चिम की, तो उन्होंने वहाँ देखा कि ब्लैक्स को इतने राइट्स मिले हुए हैं, वो उनका बहुत वैज्ञानिक दृष्टिकोण था, वो पेशे से इंजीनियर थे, तो उन्होंने भारत में आ गए, कई देशों का भ्रमण किया, और जहाँ आकर उन्होंने देखा कि हमारे देश में सामाजिक समता, आर्थिक तरक्की कैसे हो सकती है, ये नहीं है कि मतलब कुछ लोगों की हो जाए बाकी रह जाए, तो उन्होंने बहुत बड़े लेवल पर जे काम किया, गद्य में एक वैज्ञानिक शैली तो दी लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी अपनी रचनाओं में दिया, तो उन्होंने भी एक मैगजीन निकाला प्रीत लड़ी, जो उस वक्त 1937 में शुरू किया गया था और अभी तक छप रहा, उन्होंने तो अपने परिवार की भी कुर्बानी देने दे दी उनको खुद भी उस वक्त, क्योंकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण था उसके पीछे लोग पड़े मारने के लिए, लेकिन वो दिल्ली में आ गया, फिर उसके बाद उनके पोता जो है उसको मार दिया, जैसे पाश को मार दिया, कि एक विचारधारा जो चेतना का आदमी काम कर रहा, कोई चाहे कवि या गद्यकार या कहानीकार या नावलकार या, तो उनको ऐसी सजा देने की कोशिश की गई है और उन्होंने कुर्बानी दे दी अपनी। इसी तरीके से मैं देखता हूँ कि प्रोफेसर मोहन सिंह है, वो प्रगतिवादी रोमांटिक लेखक था, उन्होंने औरत की आजादी के साथ साथ देश की आजादी, फिर उन्होंने विश्व शांति के लिए बहुत सारी अपनी रचनाएं की, उनकी एक किताब का नाम ही मीर है, मीर जो उसका अर्थ ही जे आके शांति, विश्व शांति के लिए उन्होंने काफी काम किया कि मजदूरों की एकता, किसानों की, सब मिलाकर काम करने की कोशिश की है। तो इनके बाद फिर अमृता प्रीतम जी आ जाते हैं जिन्होंने नारीवादी चेतना के लिए बहुत काम किया, डिवीजन उन्होंने इस देश का विभाजन उन्होंने अपनी आंखों से देखा, ये बहुत उस वक्त की हमारे त्रासदी थी जी, हमारे। आपने अपनी चर्चा में एक बात का जिक्र किया कि तत्कालीन समय में रूसी साहित्य से, यानी एक दौर ऐसा भी आया था कि जब अनुवाद का दौर, वो पारी पूरे भारतीय साहित्य में अनुवाद के दौर से जो साहित्य में एक बदलाव आ रहा था, यानी गद्य का उद्भव और विकास, तो अनुवाद के माध्यम से भी कई भाषाओं में कई रचनाएं हुई, तो आपने रूसी भाषा का जिक्र किया, तो किस प्रकार रूसी भाषा के साहित्य से अनुवाद ने पंजाबी साहित्य को प्रभावित किया? ये मेरे लिए बहुत अच्छा सवाल है और मेरे को खुशी होती है बताते हुए हो रही है कि जब गोरकी का नावल छपा माँ, जी और उसके बाद बहुत सारे नावल जो अनुवाद हुए हैं और बड़े लेखकों ने अनुवाद किए, जैसे प्रोफेसर गुरदयाल सिंह ने गोरकी की स्वैजीवनी जीवनी का एक जो भाग उसको ट्रांसलेट किया, मेरा बचपन, इसी तरह मतलब चेखव की बहुत सारी रचनाएं, चंगेज आइतमातोब, निकोलाई ओस्त्रोबस्की, गोगोल, मतलब बहुत सारे शलोखोव, इनकी रचनाओं का इतना प्रभाव पड़ा कि मैं अपनी बात ही करता हूँ कि मैंने जब 11वीं 12वीं 13वीं में पढ़ता था तो तभी तक भी मैंने इतना काफी जे सारा पढ़ लिया था, तो उसने प्रभावित इतना किया कि हमारे पंजाबी के लेखकों में उनका जो प्रभाव है वो स्पष्ट दिखाई देता है कि समाजवादी प्रगतिवादी दृष्टिकोण अपनाया जाए और जो इसकी भाषा रखें, शैली रखें, वो पूरी यथार्थवादी होनी चाहिए, और ऐसा हुआ। तो बहुत सारे इस दौर के बड़े कवि भी हुए हैं जिनके बारे में, फिर उसके बाद जुझार जुझारवादी कविता भी आती है, लेकिन उसकी परछाई जो है रूसी साहित्य की उसके ऊपर दिखाई देती है अभी भी।
जी, लेकिन एक बात मैं जानना चाहूँगा कि हम ये जानते हैं कि जो हमारा पहले का साहित्य था मुख्य रूप से पद्य में था, यानी कविताओं के माध्यम से मुख्य रूप से बातें की जाती थी। आधुनिक युग की सबसे बड़ी देन है और वो है गद्य, यानी गद्य कथा साहित्य, कहानियों के माध्यम से, उपन्यास के माध्यम से और अन्य गद्य विधाओं के माध्यम से। विभिन्न भारतीय भाषाओं में एक दौर आया जिसके माध्यम से लोगों ने चेतना फैलाने का कार्य किया। तो पंजाबी साहित्य में मैं ये जानना चाहूँगा कि पंजाबी साहित्य में जो रचनाकार हुए, उन्होंने कहानियों के माध्यम से, उपन्यास के माध्यम से और अन्य गद्य विधाओं के माध्यम से क्या कार्य किया? इनमें नाम जो बड़े नाम आते हैं जैसे प्रोफेसर गुरदयाल सिंह हैं, उन्होंने मणि का दीवा लिखा। मणि का दीवा मतलब जहाँ किसी की कब्र होती है उसके ऊपर जो दीवा जलाया जाता है उसको मणि का दीवा। हाँ जी, तो वो उसमें जो उन्होंने आर्थिक दृष्टिकोण भी ध्यान में रखा, सामाजिक समता को भी ध्यान में रखा, और शब्दावली जो रूसी लेखकों ने हमारे को दी थी कि यथार्थवादी दृष्टिकोण वाली, वो सारी उन्होंने उसमें अडॉप्ट की। जी और वो नावल अभी भी इतना चर्चा का विषय है कि उसको कोई इधर उधर नहीं कर सकता, वो कई भाषाओं में भी आ रहा। लेकिन इसके साथ साथ और भी लोग रचना कर रहे हैं, करते थे, जैसे अपने अमृता प्रीतम जी ने, डिवीजन की भी छोटी बात नहीं है कि उसमें प्रगतिवादी दृष्टिकोण भी शुरुआती उनकी रचनाओं में रहा कि मेरी आवाज बन जाए जहां की आवाज, देश जहाँ की की बात। जहां की बात बन जाए। वो सांस अपने दोनों तीनों चीजों पर उनका जोर था, विश्व शांति के लिए, सामाजिक चेतना के लिए, नारीवादी चेतना का जो संकल्प है उसके मन में था वो भी सामने आता था। तो उस दौर के बहुत सारे कवि जो है जुझारवादी थे, उन्होंने कहानियां लिखी, जैसे बरयाम संधु है, उसने बहुत सारी रचनाएं कविताएं लिखी हैं, सॉरी अपने कहानियां लिखी हैं। तो नावल के रूप में प्रेम प्रकाश ने चाहे नारीवादी चेतना रखी, लेकिन कुछ उसके अनुभव जो है बड़े लेखकों में आते हैं, और उन्होंने प्रगतिवादी दृष्टिकोण को भी ध्यान में रखा। लेकिन आज जो रचना हो रही है, आज हम इसको कहते हैं कि चौथी पीढ़ी के लेखक हमारे सामने आ गए हैं, इनमें अलग तरीके की दृष्टिकोण है। हाँ जी, एक बात मैं आपसे यह जानना चाहूँगा कि जैसा कि लगभग संपूर्ण भारतीय साहित्य में या विश्व साहित्य में भी ये देखने को मिलता है कि साहित्य के विकास में या उनकी विषय वस्तु के विकास में, बदलाव में पत्र पत्रिकाओं की अपनी बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो अन्य भारतीय भाषाओं में भी पत्र पत्रिकाओं की भूमिका रही, जैसा कि आप जानते हैं पंजाब हिंदी में उदन मार्तंड और अन्य पत्र पत्रिकाओं ने बहुत बड़ा योगदान दिया साहित्य में बदलाव के लिए, साहित्य की विषय वस्तु में बदलाव के लिए। अन्य भारतीय भाषाओं में भी एक कार्य हुआ, तो क्या पंजाबी में भी पत्र पत्रिकाओं ने साहित्य के विकास में योगदान दिया? बिल्कुल। 1937 में जैसे मैंने पहले भी बताया कि गुरबख्श सिंह प्रीतलड़ी ने एक मैगजीन प्रीतलड़ी नाम का ही निकाला, जी, वो इतना प्रोग्रेसिव, इतना अंधविश्वासों के रो जो झूठ कुफर जो भी है उसके अगेंस्ट इतना प्रचार था कि लोग घर घर में, जो थोड़े बहुत उस जमाने में भी पढ़े लिखे थे, क्योंकि गांव के लोग तो ज्यादा पढ़े नहीं थे, जी, जितने भी थे अभी भी लोगों के पास उसकी कॉपियां रखी हुई हैं संभाल करके। इतना उसमें दृष्टिकोण मानववादी, वैज्ञानिक और समता वाला था। तो इस तरीके से और भी कई मैगजीन निकले, जैसे पंज दरिया जो प्रोफेसर मोहन सिंह ने निकाला था, उन्होंने भी मतलब दोनों देशों की एकता की सलामती के लिए भी लिखा कि चाहे पाकिस्तान बन गया फिर भी आप अपने घर में ठीक रहें, हम अपने घर में रहें, पंजाबियों की बात मिलना जुलना रहे, और प्रोग्रेसिव दृष्टिकोण किसी ने भी नहीं छोड़ा। और कितने मैगजीन जो अखबारें जो हैं, जैसे नया जमाना पहले होता था वो प्रगतिशील लोगों का है, अब पहले लाहौर में था फिर बाद में आ गया जलंधर में, ऐसे ही अजीत अखबार पहले लाहौर में थी तो आ गई जलंधर में, अकाली पत्र का भी ऐसे। लेकिन उस वक्त जो मैं देखता हूँ कि लोगों का दृष्टिकोण जो था ना देश की आजादी के लिए, फिर देश की अखंडता के लिए रहा, चाहे वो काला दौर भी हमारे बीच में आया पंजाबियों के, लेकिन सभी ने उसकी निंदा की और एक इस तरह का प्लेटफॉर्म लोगों को दिया कि
कि हम सब भाई भाई हैं, इसमें कभी दरार नहीं पड़नी चाहिए और ना ही पड़ी। ये अखबारों का एक जिम्मेदारी वाला रोल जो है वो सभी के सामने है। जी, ये सबसे महत्वपूर्ण बात ये है भारतीय साहित्य की, कि जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि भारतीय साहित्य में एक ट्रेंड अगर वो तमिल में है तो वही उसी तरह का प्रभाव, उसी तरह की विषय वस्तु, उसी तरह की रचनाएं तमिल में भी, तेलुगु में भी, कन्नड़ में भी। तो ये एक सूत्रता का प्रतीक है। और जैसा कि हम जानते हैं कि हर युग में साहित्य में परिवर्तन आता रहा है, तो वर्तमान समय में जिस तरह से अन्य भारतीय भाषाओं में एक नए दौर की शुरुआत हुई, जिसमें विशेष रूप से वंचित वर्ग से हाशिए के लोगों की बात की जाती है, समाज के पूरे आधे हिस्से के अधिकार की बात की जाती है, यानी नारीवादी चेतना की बात की जाती है, नारी विमर्श और दलित विमर्श हम जिसे कहते हैं, तो कुल मिला के वर्तमान समय में जो एक आंदोलन के रूप में है, जो एक सामाजिक आंदोलन के रूप में है, और वह एक समता का सबसे बड़ा अस्त्र के रूप में साहित्य के द्वारा कार्य किया जा रहा है। और यह हम हमेशा से देखते हैं कि चाहे वो तमिल में हो, तेलुगु में हो, कन्नड़ में हो, तो ये ट्रेंड हमेशा मिलता रहा है, ये एक सूत्रता मिलती है। तो क्या पंजाबी साहित्य में भी इस तरह की स्त्री विमर्श से संबंधित और दलित विमर्श से संबंधित, यानी वंचितों से विमर्श से संबंधित साहित्य की रचनाएं की जा रही हैं? बिल्कुल की जा रही है, अभी भी जारी है। मैं अमृता प्रीतम की थोड़ी सी बात करना चाहूँगा कि वो हमारे पंजाबी के, बल्कि विश्व के, मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत बड़ी लेखक क्या हमारे। उसने जब देखा कि हमारे देश के लिए जो डिवीजन हुई है पाकिस्तान बना, से छोटी बात नहीं हमारे लिए, इसलिए हम बार बार इसकी चर्चा करते हैं। तो उन्होंने उस वक्त जो वारस, एक जिसने हीर का किस्सा लिखा था, एक प्रेम कथा को एक त्रासदी के रूप में पेश किया था, तो उसको संबोधित करते हुए अमृता प्रीतम ने लिखा था, अज आखां वारस शाह नूं किते कबरां विच्चों बोल, ते अज किताबे इश्क दा कोई अगला वर्का फूल। के मतलब एक रोई सी धी पंजाब दी, तू लिख लिख मारे बैण, अज लखां धीआं रोंदियां तैनू वारस शाह नूं कहण, उठ दर्द मंदां दे दर्दिया, उठ तक अपना पंजाब, अज बेले लाशां बिछियां ते लहू दी भरी चनाब, किसे पंजां पाणियां विच दित्ती जहर ला, ते उन्हां पाणियां धरती नूं दित्ता पाणी ला। जी, ये कितनी त्रासदिक है। तो और भी मैं कहना चाहता हूँ कि लोगों ने इस दृष्टि से काम किया कि नारीवादी चेतना, बाकी जो जैसे डॉक्टर बनीता है, जो दूसरी औरतें हैं, उन्होंने, कवियों ने, कवित्रियों ने इस दृष्टि पे काम किया। तो आज इस दौर में हमारे लाल सिंह दिल, संतराम उदासी, पाश, सुरजीत पात्र, हरभजन हलवार भी, अमतोज सबदोज, सुरिंदर गिल, ये सारे लोग अभी भी इसी लाइन पे काम कर रहे हैं। नावलकार जैसे हम, मैंने कहा कि जसवंत सिंह कंवल समकाली लहरों के साथ ही जुड़े रहे, बलदेव सिंह, मनमोहन बावा, मित्र सैन मीत, ये सारे लोग अपने तरीके से अपना काम बहुत अच्छे तरीके से प्रगतिवादी दृष्टि को ध्यान में रख के दलितों के लिए काम जो कर रहे हैं, उनमें कहानीकारों के नाम मैं कहूँ तो थोड़ा बता देता हूँ, हाँ, एक देशराज दो काली, कहानीकारों के नाम आप जरूर बताएं। देशराज काली, भगवंत रसूलपुरी, मक्खन मान, जिंदर, इस तरह के जो नए भी हैं वो भी पूरा दृष्टि से लिख रहे हैं, उनको दोनों विचारधाराओं की समझ है। माधुपुरी जी, आपने हमें बहुत सारी जानकारी दी पंजाबी साहित्य के बारे में, आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल, और वर्तमान समय में भी जो साहित्य की रचनाएं की जा रही है पंजाबी साहित्य में, और किस तरह की विषय वस्तु को चुन रहे हैं, ले रहे हैं। तो अंत में मैं आपसे आपकी अपनी कविता सुनना चाहूँगा, क्योंकि अब समय समाप्त होने वाला है, तो आप अपनी कविताओं के द्वारा दर्शक को।